कर्मचारी की मौत हुई है करंट लग जाने की वजह से, आप ही घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या माहौल है? ये माहौल तो गमगीन है और जो भी हुआ है एक अपूर्णीय क्षति हुई है और हम लोग के स्तर पर जो भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी परिवार को चलाने के लिए वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पूरी कोशिश रहे कि हर तरह से हर संभव मदद की जाए। प्रधान जी को भी बोल दिया है कि आवास के लिए जांच करके आप अपनी रिपोर्ट भेजें और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इनकी आवास योजना पास हो जाए। और जो भी बिजली विभाग से भी बातचीत चल रही है और उनकी तरफ से भी जो सहायता देनी दे रहे हैं वो भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। और हम लोग पारिवारिक लाभ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि एक फॉर्म भरवा के इनको पारिवारिक लाभ का लाभ दिया जाए। तो ताकि क्या इस वक्त कोई किसी भी तरीके की आर्थिक मदद की योजना है इन परिवार को? आर्थिक अभी क्या है कि बिजली विभाग से चेक बन रही है इनके नाम से, तो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई, बाकी की सहायता फिर धीरे धीरे उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार की हालत ख़राब है, परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि उस महिला जो पीड़ित महिला है उसको सर्विस मिल सके किसी भी तरीके की विभाग में। देखिए इसके संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और जैसा भी होता है उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। हम अपनी तरह से मदद करेंगे कि उसको सर्विस मिल जाए, लेकिन हम कोई अभी वादा नहीं कर सकते। उच्च अधिकारियों से बात करके ही आगे का डिसीजन लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? कौन सा नाम है? क्या मामला? मामला बिजली वालों ने किया। ड्यूटी पर चला गया था और मोटे पीछे जब मुझे आगरा पता पड़ी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे बच्चे 3 हैं सर। बड़े बड़ा बच्चा है जिनने का। क्या नाम है इनका? इनका नाम दारा सिंह है। क्या करते थे ये? संबंध हमें नौकरी उसी में करते थे बिजली वाले में। तो कल कहाँ गए थे ये, क्या बताया गया आपको? गर्भवती बताया गया था। हम बोले मैं लाल जा रहा हूँ, फोटो हो गया वहाँ जोड़ने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर माँ से बिल वो ले लिया, शटडाउन ले लिया है। पीछे से फिर उसने लाइन से जोड़ दिया, फिर शटडाउन अभी तक बन गया। तो इलाज के लिए ले गए थे आप? जी ले गए थे। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। आपने थाना में तहरीर दी है? जी दे दी। जी बच्चे कितने बच्चे हैं? किसी भी थाना सुन गए 2 बच्चे हैं। परिवार की स्थिति कैसी है आप? बिल्कुल डाउन है। क्या कहता है परिवार? हाँ तो हमारे यही चाहते हैं सर, हमारे तो घरवाली को नौकरी मिल जाए और तो बच्चे हमारे पढ़े लिखे जाएं। विधायक जी, एक संविदा कर्मी की मौत का मामला सामने आया है, दुर्घटना हुई है, कितनी सहायता उसे प्राप्त की है? दक्षिणांचल विद्युत विभाग का एक लाइनमैन जो रात को शायद कहीं पर लाइन कटी और जब वो दारा सिंह नाम का बच्चा क्योंकि लाइनमैन था तो इसलिए उसने ठीक करने की कोशिश की और फ़ोन से मुझे जो पता चला है कि उसने शटडाउन करने के लिए बोला। शटडाउन भी हुआ और 2 कर्मचारी वहाँ पर काम भी करने लगे, लेकिन क्या कारण रहा ये जांच का विषय है। और मैं MD साहब से मेरी सुबह बात हुई थी, एक्शन साहब से बात हुई है और ये जाँच का विषय है कि लाइन फिर चालू कैसे हुई? अगर कर्मचारी काम कर रहे हैं तो लाइन कैसे चालू हुई? और बहुत ही दुखद घटना है। हम सब लोग परिवार के साथ हैं, यहाँ पर दुख में हैं, उनके साथ हैं और पूरा गांव, आप लोग देखते हैं कि पूरा गांव यहाँ पर है। और एक्शन साहब से मेरी जब बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हेल्प हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोगों ने जो 5 लाख रुपए की धनराशि सहायता दी जाती है उसका चेक बन गया है और हम लोग तो चेक उनकी पत्नी के नाम रीना के नाम हम लोगों ने उनको हैंड ओवर कर दिया। और साथ ही परिवार में 2 बच्चे हैं उसके, दारा सिंह के, तो दोनों बच्चों के लिए मैंने 1-1 लाख रुपए की FD कर दी है जो मैंने स्वयं कर दिया। और जो अभी यहाँ पर तहसीलदार साहब थे उन्होंने कहा कि परिवार क्योंकि बहुत ही पुअर फैमिली से हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द परिवार को एक घर का आवंटन हो जाए और जो भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है, माननीय CM साहब की तरफ से हो सकती है, वो पूरी हेल्प हम लोग कर पाएंगे। आज क्या मामला है? यहाँ लाड़म गांव में एक विद्युत कर्मचारी की मौत हो गई है, तो क्या? मैं महेश कुमार जाटव, 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा, राष्ट्रीय लोकदल। आज यहाँ पर बहुत दुखद घटना हुई है। दारा सिंह एक संविदा कर्मचारी था बिजली विभाग में, जो लाइन को सही कर रहा था और लाइन सही करते में जो शटडाउन था उसे किसी व्यक्ति ने लाइन को 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए चालू कर दिया
और इतने में उनको करंट लग के उनकी मृत्यु। बहुत ही दुखद घटना हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इसके साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ सरकार से हाथ जोड़ करके कि बहुत ही गरीब परिवार है, इसकी परिवार की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इंसान की जान की कीमत 40 लाख रुपए रखी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वहाँ पर भी 40 लाख रुपए दिए मुआवजा। जैसे कि एक इंस्पेक्टर ने गोली मार दी जो ब्राह्मण समाज के थे, उनकी पत्नी को एक OSD की नौकरी दी और उनको भी 40 लाख रुपए मुआवजा दिया। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस परिवार की मदद करनी चाहिए, उनको कम से कम 40 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए। इनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पंचायत में एक युवा की मौत हुई है जो संविदा कर्मचारी थी, क्या मामला है? मेरी ग्राम पंचायत पनकाड़ा में मजरा लाड़म है, उसका एक वेद धारा सिंह पुत्र वेद प्रकाश विद्युत सब स्टेशन 33/11 मनकाड़ा पर संविदा कर्मी के रूप में काम करता था और मनकाड़ा से लालू ग्राम के लिए बिजली जाती है। लालू ग्राम में बिजली के जोड़ा पर कोई खराबी, तकनीकी खराबी आ गई तो यहाँ से इनको बुलाया गया। दो संविदा कर्मी बंटी और ये धारा सिंह दोनों गए तो उन्होंने वहाँ से, धारा सिंह ने सिट डाउन लिया, सिट डाउन उनका मोबाइल में भी है, तो पहले उस पर जोड़ा पर बंटी चढ़े, इसके बाद नीचे उतर के आए, इसके बाद धारा सिंह चढ़े, धारा सिंह को तुरंत करंट लगा, करंट से उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। प्रधान जी, आपके ग्राम प्रधान का पंचायत का मामला है तो परिवार की कैसी स्थिति है आज? इनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। इनके पास 10 गज जमीन भी नहीं है धारा सिंह के पास, और इनके पास दो बच्चे हैं, एक तो 9 वर्ष का बेटा है, 1 7 वर्ष की बेटी है। अब उनकी पत्नी रीना देवी विधवा हो चुकी हैं, उनके लालन पालन के लिए बड़ी परेशानी आएगी। हमारे प्रशासन से, विद्युत विभाग से मांग है इनको कोई लाभ की योजना हो, जो भी इनको मुआवजा दिया जाए, कोई इनको संतुष्ट किया जाए। आपकी तरफ से प्रशासन को जानकारी दी गई है? मेरी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है, विद्युत विभाग वालों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया है, चेक का जितने का आश्वासन दिया है, मैं यहाँ नहीं खोल सकता, वो आकर के यहाँ खोलेंगे, उनको चेक आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सभी लोग आने वाले हैं। परिवार के लोगों की मांग है कि पत्नी को नौकरी मिले। हाँ, परिवार के लोगों की मांग है पत्नी को नौकरी मिले, हमारी भी मांग है, मेरी पूरी पंचायत की, ग्रामवासियों की मांग है कि पत्नी को नौकरी मिले या उनको जो है पेंशन के रूप में आजीवन दिया जाए, जिससे अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनवीर सिंह था। कौन सा गाँव? लाडम। क्या मामला हुआ आपके गाँव? मामला ये हुआ, 8:30 बजे समय बहुत हो जाता है लाडम, तो मंत्री को बुलाया जाता है कि जानते हैं सही क्या करते क्यों नहीं हो, ये मतलब संविधान पे जॉब कर रहे थे, मतलब जैसे फॉल्ट वॉल्ट हो जाए कुछ नहीं। कितने समय पहले लगे थे? मेरे मैंने देखा कब 5-6 महीने तो लगभग हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे घटना घटी? घटना ये थी, शट डाउन नहीं रखा था, ये फॉल्ट को सही करने चढ़े, अनुमन फॉल्ट सही हो गया था शायद, और नस लाइट ऑन की, और हमें जब पता चला कि डेथ हो गई। तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या किए गए? हम ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की, अब कमाने के लिए उनके घर पर कोई नहीं, ये बूढ़े माँ बाप हैं, और भी एक और बच्चा है, उम्र हो चुकी है, ये क्या कमाएंगे, अभी नई शादी हुई है, छोटे बच्चे हैं, बच्चे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, कहाँ पढ़ेंगे, एजुकेशन तो पैसा चाहिए ना। तो हमारी ये डिमांड है उनकी वाइफ को कोई जॉब या कोई पेंशन दी जाए, ताकि वो अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छे से काट सके, थोड़ी बहुत कमी तो महसूस होगी पति की हमेशा। बच्चों के लिए क्या चाहते हो? बच्चों के लिए मैं ये चाहता हूँ उनको पूरी एजुकेशन ग्रेजुएशन तक फ्री की जाए,
किसी अच्छे से कॉलेज से स्टडी भी किसी